हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेटोलॉजी क्लास के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में एक क्लास नंबर थर्टी टू है बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्ले में मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले गाइडेंस के बारे में गाइडेंस इन सिंपल टर्म्स मीन्स टू डायरेक्ट और टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू हु नीड्स हेल्प गाइडेंस का सिंपल मतलब होता है टू डायरेक्ट और टू प्रोवाइड असिस्टेंस यानी असिस्टेंस प्रोवाइड करना जिसको हेल्प का नीड है गाइडेंस इज कंसीडर एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन गाइडेंस एक इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन का इसके बाद नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस सबसे पहला प्रिंसिपल है गाइडेंस एम एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल गाइडेंस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन गाइडेंस इज कंटीन्यूअस एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स ये सब गाइडेंस का क्या है प्रिंसिपल है इसके बाद नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गाइडेंस तो सबसे पहला टाइप है पर्सनल गाइडेंस पर्सनल गाइडेंस हेल्प करता है इमोशनल फिजिकल स्पिरिचुअल सोशल और मेंटल डेवलपमेंट करने में इंडिविजुअल का नेक्स्ट है एजुकेशनल गाइडेंस एजुकेशनल गाइडेंस एड्रेस द सेवरल एजुकेशनल प्रॉब्लम डट स्टूडेंट फेस ड्यूरिंग द ईयर्स वैन दे रिसीव एजुकेशनल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशनल में प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने में एजुकेशनल गाइडेंस हेल्प करता है इसके बाद नेक्स्ट गाइडेंस का टाइप है वोकेशनल गाइडेंस वोकेशनल गाइडेंस डील विद असिस्टिंग एन इंडिविजुअल ऑप्ट फॉर राइट ऑकुपेशन और जॉब वोकेशनल गाइडेंस वहाँ पे हेल्प करता है कि इंडिविजुअल को जहाँ पे वो चॉइस कर पाए राइट right जॉब के लिए राइट ऑकुपेशन चूज करने में वहाँ पे वोकेशनल गाइडेंस एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है इसके बाद नेक्स्ट नोट डिस्कस करेंगे काउंसलिंग के बारे में काउंसलिंग रिफर्स टू प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल हु इज फेसिंग ए प्रॉब्लम एंड नीड हेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम काउंसलिंग एक प्रोफेशनल सर्विस है जो कि कोई भी इंडिविजुअल को दिया जाता है जो प्रॉब्लम फेस करता है काउंसलिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन इंडिगल एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ गाइडेंस काउंसलिंग जो है गाइडेंस का सेंट्रल और इंट्रीगल पार्ट है द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग हेल्प एन इंडिविजुअल फाइन सोलूशन टू अ प्रॉब्लम एंड ऑल्सो हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल काउंसलिंग प्रोसेस जो है एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है और ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है काउंसलिंग इज अ प्रोसेस डेट इन्वॉल्व टू पीपुल वन इज़ द काउंसलर एंड अदर इज़ अ पर्सन वेटिंग हेल्प यानी इसके अंदर दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं एक होते हैं काउंसलर और दूसरा होते हैं जिस पर्सन को काउंसलिंग चाहिए वो इसके बाद नेक्स्ट नम्बर डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद इंडिविजुअल इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इसके बाद नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग यानी काउंसलिंग का कितना प्रकार है काउंसलिंग का तीन प्रकार है सबसे पहला है डायरेक्टिव काउंसलिंग इसके बाद नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग तो आइए सबसे पहले डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में जानते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग दिया गया था बी सी विलियमसन के द्वारा डायरेक्टिव काउंसलिंग काउंसलर ओरिएंटेड प्रोसेस है इसके अंदर काउंसलर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसके बाद नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इसको दिया गया था कार्ल रोजर के द्वारा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज ए क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग ये जो है क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग है इसके अंदर काउंसलर जो है बस डायरेक्ट करता है और गाइड करता है इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग इसको दिया गया था एफसी थ्रोन के द्वारा इसके अंदर दोनों का रोल जो है इक्वल होता है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग के अंदर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइडेंस इज ए प्रोसेस गाइडेंस एक क्या प्रोसेस है इसके अंदर असिस्टेंट दिया जाता है चाइल्ड को तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसलिंग प्रोसेस क्या है अनस्ट्रक्चर वे ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन कॉल क्लाइंट ए नहीं है एन इंडिविजुअल इफोर्ट टू ब्रिंग सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम अभी नहीं है ए प्लेन स्ट्रक्चर डायलॉग बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसिलिंग जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन है हु इज चीफ एक्सपोडेंट ऑफ एक्लेक्ट्रिक काउंसलिंग एक्लेक्ट्रिक काउंसलिंग का चीफ एक्सपोडेंट का नाम किया है उनका नाम है एफ सी थ्रोन तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी विलियमसन डायरेक्टिव काउंसलिंग का एक्सपोडेंट है कार्ल रोजर नॉन डायरेक्टिव का है इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच